देखो भाई, हम लोगों ने जो डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स है उसकी कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अब बकायदा हम फाइलम से स्टार्ट करें। सबसे पहला जो फाइलम है जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाइलम कोनिफेरा। फाइलम कोनिफेरा सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। ये वो सारे एनिमल्स हैं जो कि कहाँ पर मिलते हैं, वाटर के अंदर। कोई एक भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कि आपको वाटर के अलावा लैंड हैबिटेट पर आपको मिलेगा। इनको हम आम तौर पर स्पंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज या स्पंजेस कहते हैं, ठीक है। तो फाइलम पॉलीफेरा मतलब स्पंजेस बेसिकली। और क्यों कहा जाता है इनको फाइलम पॉलीफेरा? पॉलीफेरा का मतलब होता है पोर्स बेयरिंग एनिमल्स, मतलब वो जानदार जिनकी बॉडी में क्या नजर आए आपको, पोर्स नजर आए, ठीक है। अब पोर्स कितने तरह के होते हैं अभी इसके जनरल फीचर्स में हम देखेंगे। सबसे पहले बात की जाए हैबिटेट की। हैबिटेट का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनिज्म मौजूद कहाँ पर। दो तरह के हैबिटेट हो सकते हैं, या तो वाटर के अंदर हम कहेंगे एक्वाटिक है, या फिर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब खुशी पर, मतलब पानी से बाहर। तो जितने भी फाइलम पॉलीफेरा के एनिमल्स हैं ये सारे एक्वाटिक हैं, मतलब पानी के अंदर मौजूद। अब एक्वाटिक की दो कंडीशन होती है, एक होता है मैरीन और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। मैरीन का मतलब होता है समंदर का पानी, फ्रेश वाटर का मतलब है मीठा पानी जिसको हम कहते हैं। तो ज्यादातर जितने भी आपके पास फाइलम पॉलीफेरा के एनिमल्स हैं ये सब कहां पर पाए जाते हैं? मैरीन में, ज्यादातर मैरीन में पाए जाते हैं। चंद इसकी स्पीशीज हैं जो कि आपको फ्रेश वाटर में मिल जाती है, जिसमें बात स्पंज की कैटेगरी है जो कि आपको कहां पर मिलता है, फ्रेश वाटर में, ठीक है। सी साइड मोस्टली बट समर होता है। सी साइड का मतलब क्या होता है? ये मूवमेंट के लिहाज से बात की जाती है। अगर एनिमल मूव नहीं कर सकता, एक जगह पर अटैच रहेगा, जिस चीज के साथ अटैच रहेगा उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेटम। क्या कहेंगे? सबस्ट्रेटम। जैसे यहाँ पर आपके पास ये स्पंज है, ये जिस सरफेस के साथ अटैच है दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पॉलीफेरा का एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर वो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, तो उस एनिमल को हम क्या कहते हैं? सीसाइड। तो ज्यादातर जितने भी पॉलीफेरा के एनिमल्स हैं ये सारे क्या होते हैं? सीसाइड होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इसमें कैटेगरी में क्या है? मोटाइल। जनरल फीचर्स की बात की जाए तो जनरल फीचर में सबसे पहला है कहता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब टिश्यू की तो बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी बॉडी एक ही सेल पर कंसिस्ट है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं वो जानदार जो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जिसको हम कंसीडर करते हैं, जिनकी बॉडी में टिश्यू बाकायदा तौर पर सेल के ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म हो जाता है, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह फॉर्म होते हैं। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो पहली बात तो ये कि ये सारे यूकैरियोटिक हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स नहीं है। ये सारे क्या है? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हम क्या है? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज वगैरह ये सब आपको मिल जाते हैं। तो जितने भी आपके पास फाइलम पॉलीफेरा के एनिमल्स हैं दे आर यूकैरियोटिक, मतलब इन तमाम सेल्स के अंदर, मतलब इनकी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे उसे बकायदा प्रोमिनेंटली तौर पर आप न्यूक्लियस देख सकते हैं। जेनेटिक मटीरियल आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा और साथ में आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दे आर मल्टीसेलुलर। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आपके पास मल्टीसेलुलर तो है, मल्टीपल सेल्स तो मौजूद है, लेकिन वो सेल्स टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं होते, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन सी टर्म यूज होगी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, यूनिसेलुलर असेंबली, कौन सी टर्म यूज होगी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि टिश्यूज लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते लेकिन मल्टीसेलुलर होते हैं, और कौन सी टर्म यूज होगी उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिसमें बकायदा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बॉडी की शेप, ठीक है। सो दे आर द एसिमेट्रिकल एनिमल। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि बॉडी को कट करने पर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है या नहीं होता। तो ये एसिमेट्रिकल एनिमल है। एसिमेट्रिकल एनिमल का मतलब ये है कि इसकी बॉडी इररेगुलर शेप में होगी, इसको आप कहीं से भी कट करने की कोशिश करें ये इक्वल पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब आते हैं वाटर सर्कुलेशन। इसकी बॉडी क्यों देखा जाए तो ये कहां पर मौजूद है? वाटर के अंदर। सही है, कहां पर मौजूद है? वाटर के अंदर। और जितने भी जानदार वाटर के अंदर मौजूद हैं, फाइलम पॉलीफेरा के, इन सब की बॉडी में वाटर जाता है और निकलकर बाहर आ जाता है।
मल्टीपल इसकी पूरी बॉडी की जो वॉल है, मतलब इसकी बॉडी की जो दीवार है, जो इसकी पूरी बॉडी है, उसमें मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इनकरेंट पोर्स। इनकरेंट पोर्स का मतलब वो जगह जहां से पानी इनकी बॉडी में दाखिल होगा, दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया। सही है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और पानी जहां से बाहर निकल कर आएगा इनकी बॉडी से, वो एक लार्जर पोर होगा, दिस इज कॉल्ड ऑस्टुलम। क्या बोलेंगे उसको, ऑस्टुलम। और पानी वहां से बाहर आ रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं एक्सकरेंट पोर। क्या बोलेंगे, एक्सकरेंट पोर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर मल्टीपल पोर्स, सॉरी मल्टीपल पोर्स इसकी बॉडी वॉल पर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया। और ये जो लार्जर पोर है जिससे पानी निकल के बाहर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियल। सही है, इसके जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, पहले रिलैक्स होते हैं, जो उसकी बॉडी में पानी भरता है, कहां से, ऑस्टिया से। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरा अंदर समझ लो डेवलप्ड है, मतलब माइक्रोस्कोपिक सारे पोर्स है जो कि बकायदा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे, और फिर वहां से पानी इसी पूरी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है। सही है, जो बॉडी का इंटरनल एरिया है उसको हम मेसेनकाइम कहते हैं, जो कि अभी आप पढ़ेंगे। अच्छा, बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी मेसेनकाइम की स्पंजोसी। इसकी बॉडी के अंदर जो हिस्सा है, मतलब आपने यहां से कट करके इसको दिखाया है कि इसकी बॉडी के अंदर वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड स्पंजोसी। क्या कहते हैं इसे हम, स्पंजोसी। ठीक है, इंटरनली द बॉडी पार्ट, द बॉडी एरिया, इंटरनली द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पंजोसी। बॉडी कैविटी का मतलब अंदर जो बॉडी का खाली जगह, उसको हम क्या कहते हैं, स्पंजोसी। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो दे आर द एक्वाटिक फिल्टर फीडर्स। एक्वाटिक का होता पानी से अपनी रिजर्व हासिल करेंगे, फिल्टर फीडर्स का होता पानी के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज है जो कि पानी के साथ मूव कर रही होती है। जब इसकी बॉडी में वाटर दाखिल होगा तो वाटर दाखिल होने के साथ साथ वो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स इनकी बॉडी में चले जाएंगे और फिर ये क्या करेंगे, उसको फीड कर लेंगे। सही है, सो दे आर द एक्वाटिक फिल्टर फीडर्स। मतलब जो पानी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं इनकी बॉडी में, ये उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर आउट करके अपनी बॉडी में रख लेंगे और पानी को वापस निकाल के एनवायरनमेंट में भेज देंगे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द एक्वाटिक फिल्टर फीडर्स। ठीक है, अच्छा जी, इसको फ्लूइड फीडर्स भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो दे आर द एक्वाटिक फिल्टर फीडर्स। अब आ जाओ सेल्स इन अ बॉडी वॉल। देखो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो होती नहीं है, मल्टीपल सेल्स लेकिन मौजूद है, तभी तो इसको हमने क्या बोला था, दे आर द मल्टी सेलर। अब इसकी बॉडी के अंदर जो बाकायदा तौर पर आपको सेल्स नजर आते हैं वो है पिनाकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, पोरोसाइट्स। फिर आपको बाकायदा एक लेयर नजर आती है मल्टीपल सेल से मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइम। और उसमें आपके पास स्पिक्यूल होता है जिसको बाकायदा हमने अलग से समझाया है यहाँ पर। ठीक है, तो पिनाकोसाइट्स की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर देखो ये छोटा सा स्ट्रक्चर ओपन करके बड़ा करके दिखाया है, तो ये बाहर की बॉडी वॉल है, मतलब जो इसकी पूरी बाहर से बॉडी इसको नजर आती है आपकी, वो कहलाता है बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पांसिबल हैं, दे आर द पिनाकोसाइट्स। सही है, दे आर द पिनाकोसाइट्स। देखो पिनाकोसाइट्स के बारे में हमने क्या लिखा है, थिन कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लैटेंड, बिल्कुल चपटे चपटे से होते हैं, पतले होते हैं, दे आर द थिन कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, एन एपिडर्मल लेयर फॉर्मर्स, सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसकी वो कौन बना रहा है, पिनाकोसाइट्स ही बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि दे आर द एपिडर्मल लेयर फॉर्मर्स। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बनाने के लिए ही ये रिस्पांसिबल है। बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। सही है, मोनोसाइट्स का दूसरा क्या नाम है, कॉलर सेल्स। मोनोसाइट्स की बात की जाए तो मोनोसाइट्स अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, मतलब जो स्पंजोसील है ना इसकी अंदर की तरफ, मतलब बाहर वाला स्ट्रक्चर है और अंदर वाला स्ट्रक्चर है, तो आपको ये कॉलर सेल्स कहां मिलेंगे, अंदर की तरफ नजर आएंगे। दे आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये क्या होता है आपके पास, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और बाकायदा मेनली तौर पर ये कर क्या रहे होते हैं, देखो लिखा हुआ है मोनोसाइट्स आर द फ्लैजिलेटेड लाइक द इनर हॉलो कैविटी, मतलब जो अंदर की तरफ कैविटी है जिसको हम स्पंजोसील कह रहे हैं, अंदर अंदर ये वाले सेल्स आपको मिल जाएंगे, बेसिकली ये फिल्टर कर रहे होते हैं फूड को। सही है, अच्छा नेक्स्ट है पोरोसाइट्स। अब आपको मैंने ये दिखाया कि यहाँ पर पोर्स मौजूद है इसकी बॉडी, तो जो इसके सेल्स हैं बॉडी के ऊपर वही पोर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सेल जो पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हम क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछते हैं कि जो पोर फॉर्मिंग सेल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स। ठीक है, जो आपके पास फ्लूइड फीडर्स, सॉरी जो फिल्टर फीडर्स है, बाकायदा सेल्स इसकी बॉडी के अंदर जो फिल्टर आउट कर रहे हैं फूड को पानी से, उनको कौन है, मोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। फ्लैजिलेटेड है नॉन फ्लैजिलेटेड, पिनाकोसाइट्स आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है, मोनोसाइट्स आपके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स है। अब आ जाओ मेसेनकाइम। मेसेनकाइम क्या है,
बाहर की तरफ जो सेल्स हैं दे आर द पिनाकोसाइट्स, अंदर की तरफ जो सेल्स हैं दे आर द कोनोसाइट्स। ऐसे ही है ना, बाहर की जो बॉडी वॉल बना रही है थिन और फ्लैटेड सेल, जिसको मैंने ब्लैक से यहां पर बना के आपको दिखाया है, जो बाहर की बॉडी वॉल बनाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोसाइट्स। तो सबसे बाहर कौन से सेल्स हैं, पिनाकोसाइट्स। अंदर कौन से सेल्स हैं, जो आपके पास फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं, जो कि फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली द कोनोसाइट्स। तो इन दोनों के दरमियान में बाहर क्या है, पिनाकोसाइट्स, अंदर की तरफ क्या है आपके पास, कोनोसाइट्स। इन दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में आपके पास जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड मेसेंटाइम। सही है, हमने पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसेंटाइम, और एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसेंटाइम। तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, मेसेंटाइम है यहां पर। सही है, मेसोडर्म यहां पर मौजूद नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, क्योंकि इसमें एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म की जगह उन दोनों के दरमियान में क्या है, मेसेंकाइम है, क्या मौजूद है, मेसेंकाइम मौजूद है। तो बिटवीन द पिनाकोसाइट्स एंड द कोनोसाइट्स जिलेटिनस मटेरियल दैट कंप्राइजेस रिप्रोडक्टिव सेल्स, अमीबोसाइट्स, स्केलेटल सेल्स एंड स्पिक्यूल्स। जो मेसेंकाइम है उसके अंदर बकायदा आपको स्पिक्यूल्स नजर आएंगे, उसमें आपको स्केलेटल सेल्स नजर आएंगे, उसमें अमीबोसाइट्स आपको नजर आएंगे, उसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स आपको नजर आएंगे। तो ये जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह, अमीबोसाइट्स, स्केलेटल सेल, कहां पर होते हैं, बाहर नहीं होते, अंदर नहीं होते, उसके बीच में मेसेंकाइम में मौजूद होते हैं। स्पिक्यूल्स की बात इधर, तो हमने कहा कि स्पिक्यूल्स कहां पर आपको मिलेंगे, मेसेंकाइम में। स्पिक्यूल्स खुद क्या है, स्पिक्यूल्स हैव एंडोस्केलेटन फॉर्म फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो स्पिक्यूल्स है बकायदा ये हार्ड होते हैं, क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये बनाता है एंडोस्केलेटन। क्या बनाते हैं, एक तरह से एंडोस्केलेटन, मतलब एक्सो और एंडो। तो एंडो स्केलेटन जो बनता होता है आपके पास, कौन बनाता है इसकी पूरी बॉडी का, स्पिक्यूल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, स्पिक्यूल्स, मतलब स्पिक्यूल्स आर हार्ड, दे आर फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर किसकी डिपोजिशन हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की और सिलिका की और प्रोटीन। सही है, स्केलेटन ऑफ बाथरूम स्पंज हैज अ स्पंजी फाइबर्स। ये एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं कि जो बाथरूम स्पंज है आपके पास, जिसको हम बाथ स्पंज के भी नाम से पुकारते हैं, उसकी जो बॉडी का स्केलेटन है वो बेसिकली इससे मिलके बनता है, वो स्पिक्यूल से नहीं मिलके बनता, वो किससे मिलके बनता है, स्पंजिंग फाइबर्स। तो स्पिक्यूल वो सेल्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं एज एन एंडोस्केलेटन, बिकॉज दे आर हार्ड, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और प्रोटीन एक्युमुलेट हो गई, इसीलिए वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन इसकी दो तरीके से हो सकती है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्टली दे आर द हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, हर्मोफ्रोडाइट। सो दे आर मोस्टली द हर्मोफ्रोडाइट्स। एसेक्सुअल मेथड अगर देखा जाए तो कौन कौन से एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बॉडी को पार्ट्स में तोड़ लेगा और हर पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा, बट अपनी बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ बनाएगा या आउटग्रोथ मैच्योर होगा, इससे टूटकर जमीन पर गिरेगा और फिर नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉडी क्या किब्यूल फॉर्मेशन इसको हम बोलते हैं। सेक्सुअल मेथड की बात की जाए तो इसकी बॉडी में सेल्स थे जिसके वाले से हमने कहा था कि अमीबोसाइट्स मौजूद है। सही है, पढ़ा था ना इसकी बॉडी में मेसेंकाइम के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि कौन है, बेसिकली अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सही है, ये एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं कि कौन से सेल थे जिसका काम है मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, मतलब एग और स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम कौन से सेल्स का, अमीबोसाइट्स का। कहां पर पाए जाते हैं ये, मेसेंकाइम लेयर के अंदर। So they produces the male and female gametes that moves into water. Male और female gametes की body में produce होके पानी के साथ निकल के body से बाहर चले जाएंगे और पानी में ही जाने के बाद male और female gametes used होंगे, zygote बनेगा, तो fertilization कहाँ हो गई, पानी में होगी fertilization। और फिर क्या होगा आपके पास, gametes जो थे जो zygote में तब्दील हो गए, अब वो किसमें convert हो जाएंगे, multicellular amphiblastula larva के अंदर। और फिर वो जो larva है वो convert हो जाएगा किसके अंदर, adult के अंदर। आप लोगों ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी है क्लास 9 के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल स्टेजेस के बाद अपने आप को एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में तब्दील करता है, तो उसके बीच में लार्वा बनता है। तो यहां पर जो लार्वा है वो क्या है आपके पास, मल्टीसेलुलर है, उसका नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। लाजमी तौर पर ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, क्योंकि आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि फला फाइलम के अंदर जो लार्वा है वो कौन सा लार्वा होगा, तो यहां जो लार्वा है उसका नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इसकी एग्जांपल्स में क्या-क्या आ जाती है, साइकन आ जाता है, यूप्लैटुला आ जाता है और स्पॉन्ज आ जाता है, और ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है जो कि हमने यहां पर बना के दिखाया। सो दिस इज ओवरऑल योर
विच फाइलम फाइलम पॉलीफेरा सही है।